तो ये देवी रूप में आई हैं। इनने मतलब ये है कि जो दाने थे राक्षस थे उनका संहार किया है। हेलो दोस्तों, हम आए हैं झीलकावाड़ा केला देवी के मंदिर, और यहाँ पर एक सेकंड मंदिर है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा और खूबसूरत है। उन्हीं में से एक बहुत ही अच्छा मंदिर है माँ संतोषी देवी का मंदिर, जो एक पहाड़ी पर स्थित है। और सबसे खास बात यह है कि इस पर जब चढ़ते हैं तो यहाँ पर हज़ारों की संख्या में बंदर होते हैं। अब हो सकता है हम जब जा रहे हैं वो हमें ना मिले, क्योंकि अभी यहाँ पर बहुत सारी भीड़ है, जिसका कारण है यहाँ का जो चैत्र का मेला होता है नौ दुर्गा का, उसी वजह से लोगों का आना जाना बहुत हो गया। उनकी शोर शराबे से यहाँ पर जो जानवर हैं वो चले गए, लेकिन अब हम वहीं पर जा रहे हैं दोनों दोस्त, और हमने पूजा के लिए कुछ सामग्री ले ली है, पूजा सामग्री। तो हमने चढ़ाई चढ़ दी है पहाड़ों पर, आप सब मेरे पीछे देख सकते हैं ये रास्ता है। तो देखेंगे हम कि कैसा एक्सपीरियंस होता है। और अपनी और चढ़ाई तो बहुत है, यहाँ पे सीढ़ियाँ बना दी गई हैं तो पहाड़ों को काट कर। ये रास्ता रास्ता अच्छा है, लेकिन आज मौसम में राहत है क्योंकि कल बारिश हुई थी, इस वजह से मौसम ठंडा है। और चढ़ते टाइम लोग खुश देख रहे हैं, लेकिन उतरते टाइम आप सब देखेंगे तो चेहरे भी उतरे हुए हैं उनके, खुशी खुशी जा रहे हैं। ऊंची बहुत है, आधा रास्ता कंप्लीट। हाँ भाई, कैसी हालत है? और चढ़ाई बहुत है, हालत खराब। वो तो शिमला रहेगा, शिमला रह गया है, शिमला गए जाकू मंदिर बजरंग बली का, वहाँ भी बहुत तगड़ी चढ़ाई है। यहाँ पर ऐसे बहुत ऊंची थी वो मतलब। राइट, ये रास्ता अभी बाकी, ये रास्ता जो कंप्लीट कर लिया है पूरा। चल ऊपर और देखें क्या है, थोड़ी सी दूर है सही। बच्चों की मौज इस टाइम पे, क्योंकि गोदी में आ रहे हैं। ये मंदिर है माँ संतोषी देवी का। पर आ गए दोस्तों, लगभग 200 से 250 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ी, दोपहर का वक्त है इसलिए हालत थोड़ी पतली हो गई हमारी, और सांसें फूल रही हैं बहुत बुरे तरीके से, लेकिन चढ़ने के बाद जो नज़ारा है वो देखने लायक है, आपको दिखाते हैं। ये फुल हाइट पे हैं, और ये पीछे मंदिर है इसके हम दर्शन करेंगे थोड़ी देर बाद। भी रात इसलिए इतनी है क्योंकि कल वर्षा वगैरह पड़ गई ना, बाद जितनी चढ़ो नहीं जाए, रेस्ट कर कर जाते वो तो फिर ठीक है, आराम आराम से। तो हम आपके लिए बताएंगे ये मंदिर की स्थापना कब हुई, तो पंडित जी की जुबानी हम आपके लिए सब कुछ मंदिर के बारे में जानकारी जो है हम आपके लिए बताने के लिए जा रहे हैं। तो पंडित जी, मंदिर की स्थापना कब हुई? मंदिर की स्थापना ऐसे हुई थी कि जब मतलब जी एक राक्षसों का जोर था जी, तो ये देवी रूप में आई हैं। इनने मतलब जी एक जो दाने थे राक्षस थे उनका संहार किया है। अच्छा, संहार करके यहाँ से ये दिल्ली से आई हैं, दिल्ली माई से, और दिल्ली माई से आके नए उनके पीछे पड़ी हैं, तो एक तो यहाँ ख़त्म कर दिया है। अच्छा जी, तो वो राक्षसनी का ही जी, तो वह तो यहाँ ख़त्म कर दी है। अच्छा, यहाँ से फिर जो राक्षस का है वो भगता 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 चला गया, तो वह करौली पहुँच गया। अच्छा, करौली जा करके उनने और जब गुफा में मारा है, गुफा में मार करके जो
फिर लौट करके उनने मांग लिया कि भाई मैं तुमने यहाँ तो डाल दी, मैं क्या खाऊंगी, मेरे लिए कोई पूजा तो बताओ। अच्छा जी। भान की आप अच्छा। कलयुग में जाके आप मतलब ये कि संतोषी नाम की संतोषी नाम से जानी जाओगी, जानी जाओगी और पहाड़ पे पूजा होगी आप। अच्छा। तो जबकि इसकी पूजा है और प्राचीन पुरानी ही पूजा है। अच्छा। हाँ, पहाड़ों में, पहाड़ों के ऊपर आकर के इन्हें अपना भजन किया है और जो तपो किया है। अच्छा। वो यहीं किया है। अच्छा, तो वो फिर यहीं पे उनकी पूजा यहीं पे हो गई है, तब से उनकी मान्यता बढ़ गई और पूजा यहाँ पे शुरू हो गई। शुरू। अच्छा जी, पीछे आप देख सकते हैं ये माँ संतोषी देवी का मंदिर। मंदिर का है, मंदिर के परिसर से आप देखेंगे बाहर तो ये खूबसूरत नज़ारा आपको देखने का मिलेगा। पहाड़ वाड़ है यहाँ पे, और सोचिए जब मौसम आएगा बरसात का तो जो खूबसूरती है कितनी बढ़ जाएगी। वेंचर है ये, बैक वेंचर। माँ संतोषी देवी के दर्शन हमने कर लिए। एड्रेस ये है तालिमपुर रोड, तालिमपुर रोड झीलकाबाड़ा। उज्जैन के लिए जाता है, उज्जैन के लिए जाता है, भरतपुर से ज़्यादा दूरी नहीं है। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बता सकते हैं और हम आपको मिलेंगे एक बार नई जगह, नई लोकेशन, नई मंजिल के साथ एक बार फिर से। मान लीजिए नज़र यहाँ पे, काफ़ी सुंदर प्रकृति की गोद में बसा हुआ ये मंदिर है और यहाँ पर नवरात्रि का फुल माहौल चला हुआ है। काफ़ी सारे स्थानीय लोग भी आ रहे हैं और दूर दूर से लोग भी यहाँ पर दर्शन के लिए आ रहे हैं। तो हमने भी दर्शन कर लिए, अब निकल रहे हैं, नीचे उतरेंगे। जैसे चढ़ाई की थी, चढ़ना थोड़ा मुश्किल था लेकिन उतरना आसान है, तो टूटी।